नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे 2020 के मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन्स के बारे में कि मतलब इस साल कौन कौन से जो फोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड में रहेंगे या अपकमिंग स्मार्टफोन्स आप कह सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन्स के बारे में तो हम मेनली बात करते हैं हमारे फ्लैगशिप फोन्स में, बिकॉज बजट फ्रेंडली जो फोन्स होते हैं वो तो साइड बाय साइड आपके रिलीज होते रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट अवेटेड जिनमें से नवा टेक्नोलॉजी निकल के आती है एक्चुअल में हर साल, वो हमेशा मेरा फ्लैगशिप फोन्स में को देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको सैमसंग के फोन्स, आईफोन हो गया आपका, हर साल वन प्लस जैसे अपने स्मार्टफोन अच्छे लेके आता है फ्लैगशिप के अंदर, एंड साथ के साथ आपके जो हवावई के फोन्स एंड गूगल के फोन्स हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे मतलब कि कौन कौन से फोन सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड है। तो सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर जिसे मैं रखता हूँ अपनी तरफ से, वो है आईफोन एसई 2 या जिसे आप कह सकते हैं आईफोन 9। बिकॉज अभी जो नेमिंग स्कीम है, अभी उसका एप्पल ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कौन सी नेमिंग स्कीम वो फॉलो करेंगे, आईफोन 9 रखेंगे या आईफोन SE का सेकंड वर्जन आएगा। बस ये पता है कि जो ये स्मार्टफोन होगा इसमें 8/16 चिप होगी, इसका जो डिस्प्ले होगा वो 4.7 है, जो कि आपको आईफोन 8, आईफोन 7 में देखने को मिला था, एंड उसके साइड बाय साइड मे बी अगर हो सकता है तो ये आईफोन आपको 12 भी देखने को मिलेगा। जो आईफोन 12 है उसका डिज़ाइन जो होगा वो क्लासिक डिज़ाइन हो सकता है, जैसे कि आईफोन 4 के अंदर आपको देखने को मिला था। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला स्मार्टफोन जो मोस्ट अवेटेड में रहेगा लिस्ट में रहेगा, वो है सैमसंग की तरफ से। जैसे सैमसंग हर साल अपना एस सीरीज एंड सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज एंड सैमसंग गैलेक्सी की नोट सीरीज लेके आता है, इसी साल भी सैमसंग गैलेक्सी का S20 आपको देखने को मिलेगा। S11, S12 सब कुछ स्किप करके डायरेक्ट S20 भी आया है, एंड S20 आपको तीन वेरियंट मिलेंगे, एक लाइट, एक S20 एंड एक S20 अल्ट्रा। अभी तक यही है, अभी लीक्स एंड र्यूमर से भी यही पता चलता है कि जो S20 अल्ट्रा होगा उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो मिलेगा बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत ज़्यादा ह्यूज एंड बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि है 6.9 इंचेस का। एंड ये बात कंफर्म है, आपको 6.9 इंचेस का डिस्प्ले देने को मिलेगा। जो उससे छोटा मॉडल होगा S20 सैमसंग गैलेक्सी S20 उसके अंदर आपको मिलेगा 6.7 इंचेस, एंड जो सिंपल आपका लाइट वर्जन होगा उसके अंदर आपको मिलेगा 6.5 इंचेस। एंड अगर हम बात करें हमारे अगले स्मार्टफोन्स की, वो है आपका हुआवे का P40 Pro। हुआवे का जो स्मार्टफोन्स हैं वो चाहे इंडिया में इतने ना चलते हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड के अंदर वो अपने कैमरा को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और अपने डिज़ाइन को लेकर बहुत ज़्यादा ही जाने जाते हैं। जो आपका इसके अंदर आपको P40 Pro होगा, इसके अंदर आपको कैमराज में तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी, साथ के साथ आपको जो बैटरी है वो 5500 mAh की मिलेगी, जो कि एक फ्लैगशिप के अंदर बहुत अच्छी बात है। बिकॉज आपने देखा कि जो बजट फ्रेंडली फोन्स हैं उसके अंदर आपको अच्छी बैटरी मिलती है, लेकिन आपको फ्लैगशिप में बैटरी कम रह जाती है। इस बार आपको P40 Pro में भी आपको 5500 की बैटरी मिलेगी, अलॉन्ग साइड विच आपके जो डिस्प्ले होगा वो 6.7 से 6.9 इंचेस के बीच के अंदर होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। एंड लगता है कि हुआवे इस बार अच्छा करेगा मतलब इंडिया में लेके, बिकॉज लास्ट ईयर इनका एक ट्रेड वॉर हुई थी USA वर्सेस चाइना के बीच में, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था हुआवे को। चाहे वो इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स लाइक P30 एंड Mate 30 वगैरह, ये इंडिया में मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि कब लॉन्च हो गया, बिकॉज ट्रेड वॉर इतना हॉटेस्ट टॉपिक था उस टाइम। तो इस साल आपको लगता है कि हमें लगता है कि अपना जो आपका हुआवे का P40 Pro है वो मे भी अच्छा कर सकता है इंडिया के अंदर। अगला हम बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे अच्छे फोन्स की, तो हम क्यों गूगल को पीछे छोड़े। गूगल का जो पिक्सल 4 था वो भले ही इंडिया में लॉन्च ना हो, लेकिन जो गूगल का पिक्सल 5 है वो मे भी इस साल लॉन्च हो सकता है Q4 में, मतलब कि आपके अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही लॉन्च होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे लॉन्च होगा। एंड उससे पहले अगर आपको देखना है फोन, आपको एक गूगल पिक्सल 4a मिल जाएगा, जो कि इंडिया में लॉन्च होगा। जैसे आपको पिक्सल 3 आपको देखने को मिला था इंडिया में, एंड साथ के साथ आपको 3XL प्लस 3a देखने को मिला था। जो 3a था उसके अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उसके अंदर आपको कैमरास बहुत अच्छे मिले थे एक काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर। तो इस साल चाहे गूगल पिक्सल 2019 के अंदर पिक्सल, चाहे आपका गूगल का पिक्सल 4 लेके नहीं आया था, लेकिन इस साल हो सकता है कि गूगल पिक्सल 4a इंडिया में आएगा, जिसके अंदर वो मोशन सेंस जो भी रडार लगा रखे थे इन्होंने, वो सोली प्रोजेक्ट के अंडर जो आता है रडार, वो सारे निकाल के आपको एक अच्छा कैमरा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा गूगल की तरफ से। एंड साइड बाय साइड आपको गूगल पिक्सल 5 भी देखने को मिल सकता है इस ईयर एंड के अंदर। एंड इसके बाद हम बात करेंगे हमारे इन्हीं को स्मार्टफोन्स में, जो मेरे अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट लगाऊं तो मेरे लिए जो मेन मैटर करता है वो है आईफोन, बिकॉज मुझे आईफोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जो आईफोन्स हैं उनकी अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में तो अपडेट होता ही होता है, प्लस साथ में साथ वो अपने डिज़ाइन को भी अपडेट करते हैं।
आई एग्री कि लास्ट से कुछ टाइम उन्होंने डिजाइन को अपग्रेड नहीं करा है, एंड मे बी लगता है कि जो इस साल का जो आईफोन होगा वो दोनों के दोनों ही, मतलब आईफोन SE 2 हो चाहे वो आईफोन 9 हो या फिर चाहे वो आईफोन 12 हो, उनका डिजाइन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। एंड जो आईफोन SE 2 या आईफोन 9 होगा, बिकॉज आईफोन SE 2 एंड आईफोन 9 ये एक ही फोन होगा, लेकिन अभी नेमिंग में डाउट है तो अभी कुछ कंफर्म नहीं, इसलिए मैं आपको दोनों बोल रहा हूँ, आईफोन SE 2 भी बोल रहा हूँ एंड आईफोन 9 भी बोल रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग फोन भी हो सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एक साथ इकट्ठे फोन होंगे बिकॉज इनकी जो नेमिंग स्कीम है सिर्फ उसमें डाउट है। बाकी फोन तो पता है कि आईफोन 7 या आईफोन 8 जैसी ग्लास बैक मिलेगी आपको, 8/13 चिप मिलेगी एंड आपको 4.7 इंच का डिजाइन देने को मिलेगा, कैमरा में भी सिंगल हो सकता है, बट आपकी जो उसकी प्राइसिंग होगी वो काफी ज्यादा अग्रेसिव रखी जाएगी। आईफोन अगर आप बात करते हैं तो वो 1.5 लाख तक भी जाते हैं और लाख तक भी जाते हैं एंड आपको 50 दिन में आईफोन मिलेगा। मे बी ये वाला जो आईफोन होगा वो आपको कुछ 35,000 या 30,000 के अराउंड आपको देने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी कुछ लिस्ट आज की, एक ही आपको मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट एंटीसिपेटेड फोन्स कौन से हैं इस ईयर के 2020 के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट करके बताएं कि आपको किस फोन का एक्चुअल में वेट है। एंड मैंने आपको यहाँ पे पोल दे रखा है कि आप उसमें अपना वोट कर सकते हैं कि आपको किस फोन का सबसे ज़्यादा वेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।